नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत एक बार फिर से आप सभी लोगों का एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को ग्राम विकास सरकारी परीक्षा 2018 के रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन करा रहा हूं। तो दोस्तों, इसी के अंतर्गत हम लोग जो हैं वो करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को कुल मिलाकर के जनवरी से लेकर के नवंबर मंथ तक की सारी करंट अफेयर्स को कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, ये मेरा भाग नंबर 3 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर भी एक एजुकेटर हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैं वहाँ पर ये करंट अफेयर्स के कुल 10 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। ठीक, तो अगर आप लोग उसे जल्दी देखना चाहते हैं तो वहाँ पर करके सारे के सारे वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब तक हम लोग 81 नंबर तक कवर कर चुके हैं, तो आज से हम लोग 82 नंबर को देखते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बुलेट ट्रेन की नींव कहाँ रखी गई। तो दोस्तों, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन की नींव रखी गई वो अहमदाबाद में रखी गई। आप सब लोगों को पता भी होगा कि ये जो ट्रेन है ये दोस्तों जापान का सहयोग से बनाई जा रही है। ठीक है, तो याद रखें। नेक्स्ट है, किस राज्य में 121वां भारत जापान वार्षिक सम्मेलन का आयोजन हुआ। तो ये दोस्तों कहाँ पर हुआ है, गुजरात में हुआ। अगला है कि किस देश की मदद से पाकिस्तान में 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू किया गया। ये चीन के सहयोग से किया गया, तो चीन के सहयोग से इसने बहुत सारे कारनामे किए हैं पाकिस्तान से। ठीक, तो याद रखेंगे, चीन के सहयोग से 5वां न्यूक्लियर पावर प्लांट शुरू हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने डॉक्टरों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी बात है कि डॉक्टरों की हड़ताल पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये हरियाणा की तरफ से लगाया है, क्योंकि इसमें क्या होता है, डॉक्टर जब हड़ताल पर चले जाते हैं तो बहुत सारे जो सीरियस पेशेंट होते हैं तो दोस्तों उनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से हड़ताल पर बैन लगा दिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से। अगला कि परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों, त्रिपुरा है। अगला है कि हाल ही में किस प्रदेश ने भूमि रिकॉर्ड को आधार से जोड़ने की घोषणा की है। दोस्तों, अपने उत्तर प्रदेश ने की है, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया। अगला कि हाल ही में धनुष मिसाइल जो थी का सफल परीक्षण किया गया कहाँ से। ये दोस्तों उड़ीसा तट से किया गया। अगला कि जीएसटी कैसा कर रहा है। जीएसटी से रिलेटेड जितने ही प्रश्न मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं, तो जीएसटी दोस्तों कैसा कर रहा है पहले जान लीजिए कि ये अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक, अगला कि जीएसटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीएसटी का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एकीकृत साझा बाजार विकसित करना। ठीक, अगला कि जीएसटी में कुल कितने सदस्य हैं। तो जीएसटी में कुल मिलाकर के 33 सदस्य हैं। अगला कि जीएसटी काउंसिल संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया। तो जीएसटी जो काउंसिल है संविधान के अनुच्छेद 279A में जोड़ा गया। ठीक, अगला है कि जीएसटी की पंजीयन संख्या में कुल कितने अंक होते हैं। तो कुल मिलाकर के 15 अंक होते हैं। अगला है कि जीएसटी लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है। तो दोस्तों, जीएसटी को लागू करने वाला दुनिया का जो पहला देश है वो फ्रांस है। इसने 1954 में जीएसटी को लागू किया था। अगला है कि जीएसटी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो असम है, असम ने जीएसटी को पहले लागू किया देश में। नेक्स्ट है कि परिवर्तन योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो उसी हरियाणा में परिवर्तन योजना जो है स्टार्ट की गई है। ठीक, अगला है कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ा गया। तो जीएसटी जो जोड़ा गया वो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया। अगला कि जीएसटी कौन से संविधान संशोधन बिल से लाया गया। तो ये 122वें संविधान संशोधन बिल से जो है वो जीएसटी लाया गया है। अगला है कि अकेले लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला कौन बनी। तो दोस्तों, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी जो है वो अकेले विमान उड़ाने वाली पहली महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना चीफ कौन से। तो दोस्तों, ये हैं बिजेंद्र सिंह धनोआ। तो बिजेंद्र सिंह धनोआ जो हैं वो भारतीय वायुसेना के चीफ हैं। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों, 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 2017 की सूची में कौन पहले स्थान पर थी। तो उससे इनका नाम है एंजेला मार्केल, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है 2017 से, तो इसलिए मैंने इसे कवर किया। अगला है कि विश्व की पहली ट्रैक रहित ट्रेन का परीक्षण किस देश में किया गया। तो दोस्तों, चाइना में किया गया। तो ऐसे अजीब और गरीब कारनामे केवल चीन ही कर सकता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। तो ये अमिताभ कांत हैं। अगला है कि नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, ये राजीव कुमार जी हैं। तो सीईओ और उपाध्यक्ष में ध्यान रखिए। ठीक है, ये कौन है, सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं और उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है। नेक्स्ट है कि स्कूल प्रदेश के लिए टीकाकरण अनिवार्य करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो पहला राज्य केरल।
नेक्स्ट है कि हाल ही में मिशन बुनियादी किस राज्य में शुरू किया गया, ये दिल्ली में शुरू किया गया। नेक्स्ट है कि यूनेस्को का अगला महानिर्देशक किसे चुना गया, तो यूनेस्को का जो अगला महानिर्देशक है दोस्तों ये फ्रांस की आद्रे जूओला को चला गया, ठीक है, जूओले को चुना गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंत्योदय आहार योजना किस राज्य में शुरू की गई, तो अंत्योदय आहार योजना जो है वो हरियाणा में स्टार्ट करी गई। अगला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ, ये दोस्तों दुबई में किया गया। नेक्स्ट है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2017 में भारत का कौन सा स्थान है, तो दोस्तों भुखमरी में अपना जो भारत है 100वें नंबर पर आता है 2017 के आंकड़ों के अनुसार। अगला कि हाल ही में संपन्न भारत मालदीप संयुक्त अभ्यास का नाम क्या है, दोस्तों इसका नाम है एक्वेरिन। अगला कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन बने, ये बने अभय, ठीक। अगला कि किस देश ने विश्व की सबसे ऊंची सड़क सुरंग का निर्माण किया, दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि अजीब और गरीब कारनामे कौन करता है, चाइना करता है, ये भी काम चाइना के द्वारा किया हुआ है। अगला कि विश्व की पहली ग्रीन सिटी का निर्माण कहाँ किया जा रहा है, ये सऊदी अरब में किया जा रहा है। अगला कि हाल ही में किस देश द्वारा नाटो में शामिल होने के कानून पर हस्ताक्षर किए गए, दोस्तों यूक्रेन के द्वारा किए गए। और नेक्स्ट है कि वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2017 में भारत का स्थान 23वें नंबर पर रहा था 2017 में, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे भाग तीन के सारे प्रश्न, और इससे पहले मैं ऑलरेडी भाग नंबर एक में और भाग नंबर दो में कवर कर चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मेरे प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी चैनल के, तो वहाँ पर जाइएगा देखिए। और मैं सारे के सारे करंट अफेयर सब दोस्तों यहाँ पर भी कवर करूँगा, पर प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी वीडियोज हो जाती हैं तो रिकॉर्ड करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इस वजह से दोस्तों आप लोग टेंशन ना लीजिए। फिर भी आप लोगों का 19 तारीख तक मैं सारे के सारे करंट अफेयर्स कर दूंगा, ठीक। लगभग 13 या 14 वीडियोस रहेंगी, पर्टिकुलर वीडियोस में 40 प्रश्न आएंगे, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिए, करंट अफेयर से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और दोस्तों इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, UPP और आप लोगों का इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए स्टार्ट करेंगे, तो वहाँ पे मैं करंट अफेयर्स और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों को खासतौर पर GS पर फोकस रहेगा, तो GS पर दोस्तों कम से कम 10,000 से ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को कराने हैं, तो आप लोग बस अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए। और जिसको भी इसकी PDF चाहिए तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकता है, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9456918097। अगर एक ही बार में सारी PDF चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।